जून से लेकर सितंबर के महीने में इस मौसम में विषाणु रोगों की समस्या बढ़ जाती है। विषाणु रोग दो तरीके से पपीते में आते हैं। एक पर्णकुंचन रोग होता है, जिसको बहुत से लोग मरोड़िया रोग भी कहते हैं, जिसमें ऊपर का हिस्सा जो है पत्ते सारे मुड़ जाते हैं, फिर जो भी नया पत्ता आता है वो मुड़ा हुआ होता है। यह सामान्य रूप से सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। इनका प्रबंधन कैसे करें, उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि खेत को जून से सितंबर के महीने में साफ सुथरा रखना चाहिए। किनारे किनारे खेत में पपीते की पौध जो व्यावसायिक खेती करते हैं, किनारे में वो कोई ना कोई ट्रैप क्रॉप लगाएं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है या बेबी कॉर्न है। जून से सितंबर के महीने में जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उस समय हम नीम आयल का 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोल के छिड़काव करें 15 दिन के अंतराल पर। अगली बार हम इमिडियोक्लोरापिड जैसे रसायन का प्रयोग करते हैं, जिसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर जल में घोलकर छिड़काव करें और ये 15 से 20 दिन के अंतराल पर करें। अब हम आते हैं दूसरे विषाणु रोग की तरफ, जिसको कहते हैं पपाया रिंग स्पॉट वायरस, जो दुनिया में सबसे खतरनाक विषाणु रोग है और बहुत तेज़ी से फैलता है। इसको फैलाने वाला माहू है। हम जानते हैं कि माहू का दो मौसम बहुत ही खतरनाक होता है। एक, जैसे हम अप्रैल के महीने में आते हैं उस वक्त माहू की संख्या बहुत बढ़ जाती है, उसके बाद वापस अगस्त और सितंबर के महीने में माहू की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। 15 से 20 दिन के अंतर में ही ये बहुत तेज़ी से फैल जाता है। इसमें हमें ध्यान देने की ये बात है कि हम शुरू से ही जो कार्बनिक खादें हैं, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट जिसे हम कहते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है या आपका वर्मी कंपोस्ट है, सड़ी गोबर की खाद है, इसकी मात्रा को अच्छे से प्रयोग करें। नर्सरी से लेकर जब उसकी रोपाई करने जाते हैं वहाँ प्रयोग करें। टाइमेटोट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर घोल में मिलाकर छिड़काव करें। जो भी रसायन का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको 15 से 20 दिन के अंतराल पर करें और रसायन को बदलते रहना आवश्यक है, क्योंकि पपीता एक ऐसा पौधा है जिसमें अगर आप ज़्यादा कीटनाशी का या रसायन का प्रयोग करेंगे तो उसमें फाइटोटॉक्सिसिटी मतलब पत्ते खुद ही जलने शुरू हो जाते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप होता है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। येलो की स्टिकी ट्रैप जो है वो सफ़ेद मक्खी के अगेंस्ट में बहुत ही प्रभावी है। नेट हाउस, नर्सरी, इन सब क्षेत्रों में तो उसका प्रभाव 100% तक है, लेकिन बाहर में हम जब प्रयोग करें तो खुला वाला ना प्रयोग करें। एक शेप में आता, आकार में आता है, जिसमें वो सिर्फ अंदर के हिस्से में जाके कीट फंसते हैं, उनका प्रयोग करें। अब आते हैं हम तीसरी बीमारी की तरफ, जो अधिक पानी और अधिक तापक्रम के चलते होता है, ये फफूंद जनित रोग है। इसके लिए आवश्यक है कि जब हम रोपाई करने जाएं तो कम से कम 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग वो उसके गड्ढे में सड़ी गोबर की खाद के साथ करें रोपाई से 1 सप्ताह पहले। दूसरा, कभी ऐसे किसी खेत का चुनाव ना करें जिसमें पानी रुकता हो। जब भी मल्चिंग करें तो ध्यान दें कि नीचे का तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस है, जो मिट्टी के 15 सेंटीमीटर नीचे का क्षेत्र है वहाँ का तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना हो। जो उसके आसपास की मिट्टी बारिश में बूंदों को पड़ने के चलते मिट्टी जाके तने पे पड़ती है, और जब तने पे पड़ती है तो इस फफूंद का जो इन्फेक्शन है वो स्टेम पे होता है, जिसे हम कॉलर रॉट कहते हैं। और कई जगह जब पुराने पौधे होंगे, जो 1 साल पुराने पौधे होंगे, उसमें फुट रॉट होता है। रोकथाम करने का तरीका ये है कि आप कापर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना लीजिए। कापर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना के तने का जो निचला हिस्सा है 15 सेंटीमीटर या जहाँ जहाँ आपको दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर समस्या आ रही है, उसके ऊपर उसका लेप लगा दें। चौथी समस्या आजकल जो दिखाई पड़ती है, फूल का या जिसमें अंडाशय पहले से लगा होता है, फलनुमा आकार होता है, उसका जो इंड होता है स्टिग्मा पर, वहाँ पर देखेंगे कई बार आपको हल्की सी सड़न होगी, पीलापन होता है, गिर जाता है। इस समस्या से बचने का तरीका ये है कि ऐसे मौसम में खास करके अगस्त और सितंबर के महीने में आप 1 से 2 छिड़काव सूक्ष्म पोषक तत्वों का करें, चाहे वो जिंक सल्फेट बोरान के साथ हो। इसके साथ में बॉबिस्टीन की 1 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर में मिला के छिड़काव करें। अगर आपके पास अन्य हार्मोन है उसका प्रयोग आप 10 ppm की दर से बॉबिस्टीन के साथ 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी मिलाकर छिड़काव करेंगे।